हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं एकदम बढ़िया होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, लेके आ गया मैं एक और ब्रांड न्यू वीडियो। और गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा तगड़ा होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम एक और फार्म बनाने वाले हैं, जो कि होने वाला हमारा आयरन फार्म। और गाइस, ये जो आयरन फार्म है ना भैया, बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से वर्क करता है। तो आई होप तुमको आज का वीडियो पसंद आएगा। वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है ज़रूर से लाइक कर देना। 60 लाइक का टारगेट आई होप तुम लोग कंप्लीट कर दोगे। और हो सके तो यार अपने भाई की वीडियो को ज़रूर से यार अपने दोस्त में शेयर कर दें, दोस्तों में। तो प्लीज़ यार तुम लोगों से इतनी सी रिक्वेस्ट है। और अगर जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना, और बाजू को बेल आइकन ज़रूर से दबा देना। उससे होगा कि जब भी तुम्हारा भाई नई वीडियो लाएगा तुम लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी गाइज। तो चलो गाइज, आज का वीडियो शुरू करते हैं। गाइस, सबसे पहले आप लोगों को एक प्लेन एरिया ढूंढ लेना है। तो जैसे आप देख सकते हो मेरे पास एक प्लेन एरिया है। उसके बाद आप लोगों को कुछ ही नहीं करना, दो चेस्ट प्लेस कर देने हैं। तो चेस्ट के पीछे जाने के बाद आप लोगों को कुछ हॉपर प्लेस कर देने, जो कि चेस्ट के साथ कनेक्ट होंगे। यहाँ पर मैं जल्दी से जल्दी 4 हॉपर लगा लेता हूँ। और गाइस, एक चीज़ ज़रूर से दिमाग में रखना, इसको फार्म को बनाने के लिए आपको भैया विलेज से कम 150 ब्लॉक दूर बनाना है, ठीक है। ये ज़रूर से दिमाग में रखना कि आपके जो मतलब जहाँ पर भी आप ये फार्म बना तो वहां से 150 ब्लॉक दूर विलेज है। ओके गाइस, तो कुछ आप लोगों को इस तरीके से यहां पर ब्लॉक प्लेस कर देने तीनों साइड से। तो उसके बाद आप लोगों को ब्लॉक प्लेस करने के बाद आप लोगों को 4-4 ब्लॉक और हाइट इसको दे देनी है। तो चारों से मतलब तीनों साइड से आप लोगों को पूरा 4-4 ब्लॉक आप लोगों को हाइट दे देनी है। तो जल्दी से जल्दी अपना ये भी काम कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, अभी हमारा लास्ट बच्चा है ना। ओके गाइस, ये भी कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आप लोगों को कुछ 4 साइन बोर्ड की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो हॉपर के ऊपर एक ब्लॉक छोड़ने के बाद आप लोगों को ये चारों साइन बोर्ड लगा देने हैं। तो एक साइड आप लोगों को 2 लगाने हैं और दूसरी साइड भी आप लोगों को 2 लगा देने हैं, ठीक है गाइस। तो ये हमारा ऑलमोस्ट किलिंग चैम्बर कम्प्लीट हो चुका है। उसके बाद आप लोगों को कुछ ग्लास वगैरह की ज़रूरत पड़ने वाली है, ताकि अपना जो चेस्ट है हम उसको एक्सेस कर पाएँ। तो ओके गाइस, जल्दी से जल्दी अपना यहाँ पर चेस्ट वगैरह के पर भी ग्लासेस वगैरह लगा लेते हैं। और आप लोगों को पता ही है कि चेस्ट को हम ब्लॉक के अंदर अनलॉक नहीं कर सकते, मतलब एक्सेस नहीं कर सकते, इसलिए मैंने यहाँ पर ग्लासेस का यूज़ किया। ओके गाइस, तो यहाँ पर जैसे आपका काम कंप्लीट होता है, इसके बाद भी मतलब इसके बाद आप लोगों को इसको भी 4 ब्लॉक हाइट दे देनी है। तो गाइस, जैसे आपका ये काम कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को यहाँ पर एक लावा की बकेट डाल देनी है, तुम्हारा जो किलिंग चैम्बर है वो कंप्लीट हो चुका है। तो गाइस यार, जैसे आपका ये सारा काम कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप लोगों को करना क्या गाइस यार, यहाँ से आप लोगों को पूरे 4-4 मतलब पूरे साइडों से आपको 8-8 ब्लॉक ले लेना है। तो गाइस यार, यहाँ पर मैं पूरे 8 ब्लॉक इसको ले लेता हूँ आगे की तरफ। तो वैसे ही आप लोगों को बाकी साइड भी करना है। तो गाइस यार, यहाँ पर मैंने पूरे 4 साइड से इसको 8-8 ब्लॉक ले लिया, तुम लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके का। उसके बाद आप लोगों को इसको पूरा यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म जैसा बनाना है, पूरे इसको मतलब बंद करना है, जो कि आपके मतलब प्लेटफॉर्म जैसा पूरा बनेगा। तो इसको मेरे को अभी पूरा इसको बंद कर देना है गाइज यहाँ से, ताकि एक बड़ा प्लेटफॉर्म बने, ठीक है गाइज। तो जल्दी से जल्दी इसको भी बंद करते हैं। फाइनली गाइज यार, हमारा पूरा प्लेटफॉर्म जो है रेडी हो चुका है, और तुम लोग देख सकते हो भाई पूरा चारों साइड से बराबर प्लेटफॉर्म है। ओके गाइज, ये काम कंप्लीट करने के बाद आप लोगों को सिंपली अब करना क्या गाइज, नीचे आ जाना है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ से 2-2 ब्लॉक की मतलब 2 ब्लॉक की हाइट इसको पूरे चारों साइड से बंद कर देना है। तो जल्दी से जल्दी अपना ये काम भी भैया कर लेते हैं। ओके, आपको सिंपली 2-2 ब्लॉक की हाइट ले लेनी है, ज़्यादा आपको नहीं ले लेनी है, ठीक है गाइज। तो जल्दी से जल्दी ये काम भी कंप्लीट कर लेते हैं अपना। सो गाइस, जैसे ही आपका वो काम भी कंप्लीट हो जाएगा, तो आप देख सकते हो यहाँ पर पूरे चारों साइड से एक वॉल खड़ी हो चुकी है 2-2 ब्लॉक की। तो उसके बाद आप लोगों को कोने पे जाकर आप लोगों को कुछ इस तरीके से आपको 3 ब्लॉक प्लेस कर देने हैं। मैंने गलती से एक ब्लॉक ज़्यादा प्लेस कर दिया है। तो पूरे मतलब 4 कोनों के आपको मतलब 4 कोनों के पास जाके आप लोगों को 3-3 ब्लॉक प्लेस कर देने हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ। ओके गाइस, तो गाइस यार, ये ब्लॉक इसलिए प्लेस हो रहे हैं क्योंकि इसके ऊपर अपना पानी की बकेट पानी आएगा, जो कि हमारा डायरेक्ट जहाँ पर हमारा किलिंग चैम्बर है वहाँ तक जाएगा। ओके गाइस, तो यहाँ पर आप लोगों को एक पानी की बकेट डाल देनी है। उसके बाद आप लोगों को कुछ ये वाला ब्लॉक छोड़ के, ये मतलब साइड का जो एक एक ब्लॉक है उसको छोड़ देना है। उसके बाद आप लोगों को वहां पर उसके बाद
पानी की बकेट कुछ इस तरीके से प्लेस कर देनी है, जैसे मैं यहाँ पर पूरे पानी की बकेट डाल रहा हूँ। उसके बाद वापस आपको दूसरे कोने में जाकर आपको मतलब एक वही छोड़ देना, आपको देखना कि पानी का फ्लो कहाँ तक जा रहा है। ठीक है गाइस, तो वैसे ही आप लोगों को हर कोने पर साइड पर करना है, एक ब्लॉक छोड़कर आप लोगों को बाकी मतलब पानी की बकेट डाल देनी है। ओके गाइस, तो यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो हमारा जो मतलब बन चुका है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। गलती से ये ब्लॉक टूट गया, तो यहाँ पर अभी आप लोगों को फिलहाल इसको भी छोड़ देना है। तो अभी हमारा लास्ट वाला जो बच्चा है इसको भी जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर देते हैं। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया, तो लास्ट वाली साइड बची है, तो ऑलमोस्ट यहाँ पर डालनी है लास्ट बकेट। ओके, तो ये वे यार तीन बकेट। ओके गाइस, तो यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो हमने पूरे चारों साइड से हमारा पानी की बकेट जो कि मतलब कंप्लीट होगा, हमारा जो जितने भी हमारे आयरन गोलम स्पॉन होंगे वो जाके हमारे किलिंग चैम्बर में ऑलरेडी के मतलब खुद ब खुद ही मर जाएंगे। ठीक है, तो हमारा किलिंग चैम्बर बन चुका है। अब हमें करना क्या गाइस, लीफ ले लेनी है, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर एक ब्लॉक हाइट की दे देनी है। ठीक है, तो ये इसलिए हम यहाँ पर लीफ वगैरह लगा रहे हैं ताकि ये स्पॉन प्रूफ हो जाए, यहाँ पर कोई भी मॉब वगैरह स्पॉन ना हो इसके ऊपर। ठीक है, तो ये आप लोगों को पूरा ध्यान रखना है कि आप लोगों को इसके ऊपर जरूर से लीफ वगैरह लगा देनी है, या तो तुम लोग यार स्लैब वगैरह भी लगा सकते हो। आप लोगों को पता ही है स्लैब के ऊपर भी मॉब्स वगैरह स्पॉन नहीं होते हैं, तो गाइस यार वो भी ध्यान में रखना, आप स्लैब वगैरह भी लगा सकते हो इसके ऊपर। ओके, तो जल्दी से जल्दी फिलहाल तो हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आप लोगों को कुछ एक डायरेक्शन में जाना है, जिस डायरेक्शन में आप जा सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को कुछ नहीं करना, 7x3 का एक प्लेटफॉर्म बना देना, जैसे मैं अभी यहाँ पर बना रहा हूँ। किसी भी डायरेक्शन में आप जाके यार इसको बना सकते हो। ठीक है, अपने फार्म के पीछे आप लोगों को बनाना है, ज़्यादा भी आप लोगों को दूर नहीं बनाना, अपने फार्म के पीछे आप लोगों को कुछ इस तरीके से एक रूम जैसे बनेगा, बाकी कुछ नहीं है। तो यहाँ पर हमारे जो आएंगे, हमारे यहाँ पर विलेजेस वगैरह आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पर आप ग्लास यूज कर सकते हो, किसी भी ब्लॉक का यूज कर सकते हो, मैं ग्लास का यूज कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर फिलहाल आप लोगों को एक मतलब कोई भी वर्किंग बेंच ले लेना, कोई भी वर्किंग स्टेशन ले लेना, जो भी आप लोगों को चाहिए। तो मैं यहां पर फ्लेक्चिंग टेबल का यूज कर रहा हूं, तो आप लोग किसी भी वर्क बेंच का यूज कर सकते हो। तो यहां पर आप लोगों को 20 फ्लेक्चिंग टेबल यूज मतलब 20 क्या बोलते हैं वर्क स्टेशन जो भी है भैया, 20 फ्लेक्चिंग टेबल लगा देने। ठीक है, यहां पर लोगों को आपको 20 ये लगा देने, तो आई थिंक यहां पर 15 लग जाएंगे, क्योंकि 7 ब्लॉक तो ऐसे है, तो उसके बाद 3-4 ओके गाइस, तो पूरे 15 यहां पर लग जाते हैं। तो 15 लगाने के बाद आप लोगों को पूरे 20 मिला के लगा देने हैं। तो यहां पर तुम लोग देख सकते हो मैंने विलेजर्स वगैरह को भी क्या बोलते हैं विलेजर्स एक से यहां पर डाल दिया है। आप लोग यार यहां पर रास्ता बना सकते हो उसको यहां पर डालने की, 2 विलेजर आप लोग यार ला सकते हो, उसके बाद उनकी ब्रीडिंग करके आप यहां पर 20 विलेजर्स बना सकते हो। ठीक है गाइस, सो गाइस जैसे ये सारा काम कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप लोगों को सेंटर में आना है। तो आपको सेंटर में आने के बाद आप लोगों को कुछ नहीं करना, आप लोगों को इसको 3 ब्लॉक की हाइट दे देनी है। ठीक है गाइस, ये ध्यान रखना, 3 ब्लॉक की हाइट दे देनी है, क्योंकि आपको पता है कि आयरन गोलम की जो हाइट होती है वो 3 ब्लॉक तक होती है। तो ये पूरा ध्यान रखना, आप लोगों को इसको सेंटर में जाके 3 ब्लॉक तक हाइट दे देनी है। तो यहाँ पर आप लोगों को 7x6 का एक प्लेटफॉर्म बना देना है। तो जल्दी से जल्दी मैं इसको भी कंप्लीट कर देता हूँ। तो गाइस यहाँ पर हमारे जो बेड वगैरह आएंगे, ताकि हमारे जो विलेजर्स वगैरह हैं वो बेड से कनेक्ट होकर अपना जो भी उनका वर्क है वो ले लें। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी इस प्लेटफॉर्म को कंप्लीट कर देता हूं। तो फाइनली गाइस हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो अब हमें यहां पर बेड वगैरह प्लेस कर देने, जो कि एक रो में 7 बेड आ जाएंगे। तो यहां पर 7 बेड आ जाए यार, गलती। ओके गाइस, ये वाला जो है, ये वाली जो मैंने एक्स्ट्रा लाइन बना दी थी, तो यहां पर एक्स्ट्रा ब्लॉक लग गए थे, तो वापस से आप लोगों को 7x7 ब्लॉक आ जाएंगे, तो 14 यहां पर आ जाएंगे इन दो लाइनों में। उसके बाद आप लोगों को कुछ नहीं करना, बीच वाले में आपको 6 बेड प्लेस कर देने। तो ओके, तो यहां पर 6 बेड आप लोगों को प्लेस कर देने, उसके बाद जितने भी आपके विलेजेस वगैरह होंगे वो आपके बेड वगैरह से कनेक्ट हो जाएंगे, और अपना जो उसका जो भी काम वगैरह होगा वो काम भी ले लेंगे गाइस। तो यहाँ पर गैप दिख रहा होगा, इसको रहन देना, क्योंकि वैसे भी इस गैप की ज़रूरत तो नहीं है। ओके गाइस, तो यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो हमारे जो आयरन गोलम है वो स्पॉन होना शुरू हो चुके हैं, और आप दो आयरन गोलम तो स्पॉन ऑलरेडी हो चुके हैं। तो आप लोगों को करना क्या है, जो इसके नीचे मैंने जितने भी ब्लॉक वगैरह लगाए थे उनको तोड़ देना, जैसे मैंने अभी तोड़ा है, ताकि हमारे जो आयरन गोलम है वहाँ पर ना अटके। और तुम लोग देख सकते हो यहाँ पर कैट वगैरह भी स्पॉन हो रही है, और यहाँ पर इजीली अभी आयरन गोलम भी स्पॉन होने चालू हो जाएंगे। और तुम लोग देख सकते हो आयरन गोलम यहाँ पर अच्छे खासे स्पॉन हो चुके हैं, मतलब आयरन गोलम यहाँ पर अच्छी मात्रा में स्पॉन होते हैं गाइस। ठीक है, अगर मैं बताऊँ तो आई थिंक 5-6 मिनट में तुम्हारा एक स्टैक के ऊपर आयरन हो जाएगा।
ओके। तो यहाँ पर आयरन गोलम बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से स्पॉन होते हैं ये वाले फार्म में। जो हमारा अंडरग्राउंड वाला फार्म है उसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आती है, बट ये वाला आयरन फार्म बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क करता है और तुम लोग देख भी सकते हो कि ये वाला आयरन फार्म कितने अच्छे तरीके से वर्क करता है। ओके गाइस, तो जैसे आपका सारा काम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप लोगों को नीचे नीचे चले जाना है और वहाँ पर आप लोगों को टॉर्च वगैरह लगा देनी है ताकि यार आपका जो मॉब्स वगैरह है ना वो यहाँ पर स्पॉन ना हो। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर आप लोगों को अच्छे खासे टॉर्च वगैरह लगा देनी है ताकि मॉब्स वगैरह जितने भी हैं ज़ॉम्बी वगैरह वो यहाँ पर स्पॉन ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने तो टॉर्च वगैरह हर जगह लगा दी है ताकि यहाँ पर मॉब्स वगैरह स्पॉन ना हो। तो ये ज़रूर से ध्यान में रखना जब भी आप आयरन फार्म बनाओ ये वाला, तो ये ज़रूर से ध्यान में रखना। ओके गाइस, तो गाइस यार यहाँ पर मैंने सारे टॉर्च वगैरह लगा तो दिया है। तुम लोग देख सकते हो आयरन गोलम कैसे यहाँ पर किल हो रहे हैं, हमारा किलिंग चैम्बर अच्छे तरीके से काम तो कर ही रहा है। और तुम लोग देख सकते हो मेरे पास यार ऑलरेडी एक स्टैक के आसपास तो आयरन हो भी चुका है, बल्कि मैं यहाँ पर AFK भी नहीं कर रहा हूँ और मैंने सिर्फ 4 से 5 मिनट ही यहाँ पर मैं रहा हूँ और ऑलरेडी एक स्टैक हो ही होने वाला है। ठीक है गाइस, तो ये वाला आयरन फॉर्म काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करता है। और अगर आप लोगों को किसी और फार्म पे भी वीडियो चाहिए तो वो भी तुम लोग कमेंट में बता सकते हो, आपका भाई यार उस पर भी वीडियो लाने की पूरी कोशिश करेगा। सो गाइस यार आज के लिए इतना ही था, आई होप तुम लोग को आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ा भी पसंद आया होगा प्लीज़ ज़रूर से लाइक कर देना और तुम लोग को आयरन फॉर्म कैसा लगा वो भी तुम लोग कमेंट में बता देना गाइस। और हो सके तो यार अपने दोस्त भाई हो यार जिनके साथ भी तुम लोग शेयर कर सकते हो तो ज़रूर से हमारी वीडियोज़ को उनके साथ शेयर किया करो। और गाइस जितने भी बंदे नहीं हो जिन्हें अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ यार चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना गाइस। और लास्ट रिक्वेस्ट है तुम लोगों से यार कमेंट में ज़रूर से बता देना अगला आप लोग चाहते हो मैं कोई और सीरीज स्टार्ट करूं किसी भी गेम का, तो वो तुम लोग कमेंट में भी बता सकते हो गाइज। यार तुम लोग से रिक्वेस्ट है अगर तुम लोग चाहते हो कि कोई और गेम मैं चालू करूं अपने चैनल पे किसी और गेम की नई सीरीज, तो वो भी तुम लोग कमेंट में ज़रूर से बता देना गाइज। ठीक है गाइज, तो चलो गाइस सर मैं मिलता हूँ किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए तुम लोग यार हमारी वीडियोज़ देखते और मज़े उठाते रहिए। बाय बाय।